नमस्कार भाइयों बहनों, नमस्कार। हमार सौभाग्य जे आमी आबार आज के महाकाल बाबा सिंचेल देवी माँ और जलपेश बाबा पुण्य भूमि ते आस्ते पैरे थी। बंगाल में नववर्ष शुरू होने वाला है। नववर्ष में बुराई पर अच्छाई की जीत होने जा रही है, बीजेपी की जीत होने जा रही है। कुछ बिहार में जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है, लेकिन मैं दीदी को, टीएमसी को, उनके गुंडों को साफ साफ कह देना चाहता हूं। और दीदी, ये हिंसा लोगों को सुरक्षा बलों पर आक्रमण करने के लिए उकसाने के तरीके, चुनाव प्रक्रिया में रोड़े अटकाने के तरीके, दीदी आपको नहीं बचा पाएंगे। आपके 10 साल के कुकर्मों से ये हिंसा आपकी रक्षा नहीं कर सकती। 10 साल तक गरीबों को सताने वाले गुटों पर, हथियारों पर, लुटेरे तोला बाजों पर दीदी को गुस्सा नहीं आया, लेकिन दीदी उन सुरक्षा बलों पर गुस्सा कर रही है जो बंगाल के लोगों के अधिकार की रक्षा कर रहे हैं। पंचायत चुनाव की तरह दीदी के गुंडे सबका वोट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए दीदी नाराज है। जिस बंगाल को डर के, भय के, अत्याचार के, अन्याय के बोझ तले दीदी और उनके दल ने दबा रखा था, आज वो कह रहा है अशोल परिवर्तन। दीदी के करीबी बंगाल के टूरिज्म मिनिस्टर और यहां पास के ही विधायक लोगों को धमका रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट दिया तो लोगों कर उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। ये गुंडागिर्दी खुलेआम है। ये दीदी के 10 साल के राज की यही सच्चाई है। बंगाल के लोग आपकी जागीर नहीं है दीदी, इसलिए बंगाल के लोगों ने तय कर दिया है कि आपको जाना ही होगा। आपके साथ साथ ये तोलाबाज भी जाएंगे, ये सिंडिकेट को भी जाना है। आपके साथ साथ जाएगी नॉर्थ बंगाल से भेदभाव करने वाली आपकी दुर्नीति भी जाएगी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दशकों के लंबे इंतजार के बाद 2 मई से बंगाल में अशोल परिवर्तन का महायज्ञ शुरू हुआ है। ये महायज्ञ तुष्टिकरण करने वाले, तोलाबाजी करने वालों, बंगाल की महान जनता का तिरस्कार करने वालों को सबक सिखाएगा। इस बार बैसाख की आंधी टीएमसी सरकार और उसके गुंडों को भी उड़ाकर ले जाएगी। यही कारण है कि दीदी की नींद उड़ी हुई है, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। आदरणीय दीदी, आप इस बात को समझिए, ये दृश्य देखिए, दृश्य। बंगाल का चुनाव सिर्फ बीजेपी नहीं लड़ रही है, ये चुनाव तो बंगाल की जनता लड़ रही है, जनता। आप बीजेपी को हराने की तो कोशिश कर सकती है, लेकिन दीदी बंगाल की जनता को कैसे हराओगी? जन्मों में भी बंगाल की जनता को नहीं हरा सकती।
आजकल तो मैं यहां पर एक नई चर्चा सुन रहा हूं, दीदी इस बार अपने लिए नहीं बल्कि भाइपो के लिए बड़े बड़े सपने देख करके सारी व्यूहरचना बना रही है। बनारस वाली बात ऐसे ही नहीं उछाली गई है, यानी चुनाव के बाद दीदी की एग्जिट होगी और टीएमसी पर अब भाईपो नया खेल खेलने का दाव लगाएगा। भाइयों बहनों, ये भी एक खेला है जो बंगाल के लोगों को समझना होगा। इसलिए बंगाल के लोगों ने तय कर लिया है, खेला शेष हो गए। कमल साहब, टीएमसी साहब, टीएमसी कमल साहब।